3, 2, 1. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने ये आईलाइनर खरीदा था, गई थी मार्केट और मार्केट में ही कुछ क्लिप मैंने इसमें ही ऐड कर दी हैं। और मार्केट गई थी, मैंने आपने शुरू में देखा होगा जब ब्लॉग स्टार्ट किया तो मैंने ये कुर्ती ली थी लेकिन फ़िटिंग नहीं कराई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फ़िटिंग करा ली जाए और हम दोनों की जोड़ी रहती है। तो हम दोनों गए टिकियाँ पी और यहाँ देखिए इनसे ही मैंने किरण कॉम्प्लेक्स यहीं फ़िटिंग कराई थी। और ये टेलर जी हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा दीदी, 250 का लिया है एक, अभी 250 का कपड़ा नहीं आपको मिलता वो तो कभी कभी ऐसा हो जाए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने 250 का लिया तो वो टेलर ही बोले थे 250 का कपड़ा नहीं मिलता, तो आपको ऊनी कपड़े मिल गए, अच्छी है। तो वैसे भी आप लोग जानते हैं ये कपड़े तो कपड़े होते हैं और कौन सा इन्हें जन्म जिंदगी पहनना है, ले लिया हमने। तो और वैसे भी और हम लोग जा रहे हैं, अब हमने अपनी सिलाई डलवा ली है, अब हम जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने सोचा नाइट में मैं अपनी ब्लॉग को मैं एडिट करना चाहती थी, वॉइस ओवर करना चाहती थी, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला और सो गई, तबीयत भी डिस्टर्ब चल रही थी। और ये हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को, यहीं हम लोग गए थे और आपने टेलर को तो देख ही लिया होगा। और अब मैं ज़्यादातर कराती थी तो उनकी थोड़ा सा मशीन डिस्टर्ब हो गई तो फिर एक जोड़ी नहीं दिया, एक जोड़ी उनसे करा लिया, एक जोड़ी दूसरे से करा लिया। प्राइस कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 30-30 रुपये में आराम से हो गया। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी ब्लॉग को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और सब्सक्राइब कर लीजिए, करिए। उसमें आपका पैसा नहीं लगना है और ना आपको कुछ लगना है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट भी करिए क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स ये देखिए आप, मैंने पहन लिया है इसको, कुछ लोगों ने कहा है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, वैसे तो मुझे तो अच्छा लगा, ठंड के हिसाब से ठंड नहीं लगेगी। और ये भी मैंने लिया था, ये पूरा जो मैंने पहन रखा है वो पूरा का पूरा सेट है, ये विंटर के हिसाब से ठीक है। आप लोगों को मेरा ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बता के बताइएगा, जो आप बताइए। टेलर खुद कह रहे थे कि जब इतना सस्ता मिलता ही नहीं है, तो लेकिन हालांकि इतना सस्ता भी नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं, कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि आप और कॉलोनी में क्यों इस बिल्डिंग में ही बोल रहे हैं कि कॉस्टली है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि महंगा है, कुछ लोग बोल रहे हैं सस्ता है। अब मुझे नहीं जानकारी कि सस्ता है कि महंगा है, लेकिन ठीक है मैंने तो ले लिया तो अब मुझे तो सही है। और हम दो लोग हैं, बढ़िया दो लोग पहनेंगे, हम लोगों का साइज़ भी एक है, ननन भाभी का और हम लोगों की, जो आप लोग देख ही पा रहे हो थोड़ा बहुत अंतर है। मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ और उसे थोड़ा सा कमर में थोड़ा सा वो लूज जाता है ननन को, तो कोई बात नहीं, लेकिन तभी वो एडजस्ट कर लेती है, वो लूज ही पहनती है। फ्रेंड्स मैंने और भी कुछ चीज़ें मंगाई हुई हैं तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और चलिए, तो आप लोगों को मेरी ये कुर्ती कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर एक ही जगह कराती हूँ अपनी सिलाई वगैरह, लेकिन क्या है कि क्योंकि उनकी मशीन डिस्टर्ब हो गई थी तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी ही करा के रह ली, फिर दोबारा नहीं गई। मेरी जहाँ मैं ज़्यादातर कराती हूँ तो ये वहाँ से करा लिया था और एक दूसरा आप लोगों ने देखा होगा तो वो और एक दूसरी जगह से करा लिया। फिर मैं वहाँ से आई तो मैंने कहा चलिए कुछ शेष काम कर लेते हैं, कुछ कबाड़ा कर लेते हैं। तो फिर क्या है कि ये मैंने सोचा नैन पेंट के लिए अलमारी थोड़ी, क्या है कि छोटे छोटे सामान रहता है ना, तो फिर ये रहता है कुछ कर लें। तो फिर ऐसे ही हमने एक छोटा सा स्टैंड बनाया प्यारा सा और पेन एन खोल रखे थे और उनका कट कट करके, और फिर ये छोटा सा स्टैंड बनाया जिसमें मैंने नैन पेंट वगैरह रख लिया। हालाँकि क्या है, यदि हम बाहर रहते हैं ना तो फिर ये है कि कहीं का बाहर सामान जोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता, इस वजह से ऐसी छोटी मोटा बना लेते हैं टेम्पररी ही, हालांकि वो सब लाना पड़ता है। लेकिन ये छोटा सा ये था कि चल ये छोटे छोटे बॉक्स रखे थे जो जनरली लोग फेंक देते हैं, तो इन्हीं को हमने ऐड करके बनाया।
लोग भी चाहें तो यदि आप लोगों के पास ऐसे छोटे छोटे से ये कबाड़ा कहते हैं, हाँ प्रीति तो बल्कि गुस्सा हो रही थी यदि भाभी ये कबाड़ा है तो मेरे कोई बात नहीं है, इस कबाड़े को भी कभी कभी रख लेना चाहिए। तो हाँ, तो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कि ये सही लग रहा कि गलत है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैंने पहली बार ऐसे कर लिया, मन करता है ना कभी कभी उल्टा सीधा करने का, तो फिर ऐसा ही था। तो आप लोग देख पा रहे हो ये छोटा सा स्टैंड बन गया, इसमें हमारी नेल पेंट तो आराम से आ ही जाएगी। और फिर इसमें हल्का सा ये जोड़ने के बाद इसमें जी है कि जैसे छोटी छोटी जैसे सिंदूर वगैरह है और छोटी छोटी क्रीम वगैरह है, नेल पेंट है या कुछ आल्टा वगैरह है, ये सब चीज़ें इसमें रख सकते हैं स्टोर करके। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कलर कर दिया जाएगा, तो मैंने कलर कर ली, मैंने सोचा स्टैंड में कलर कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर प्रीति ने इसमें बॉर्डर में भी कलर कर दिया, इस वजह से ये थोड़ा सा इसका लुक मेंटेन हो गया और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगने लगा। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, आप लोग भी छोटा सा देखिए इस तरीके से आप लोग भी इसे बना सकते हैं। क्या मेरी फ्रेंड लोग बड़ा बनाती थी, लेकिन मैं पहले इन सब चीज़ें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती थी, लेकिन अब लगने लगता है थोड़ा थोड़ा अब ये सब चीज़ें भी कर लेना चाहिए। लोग देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा छोटा सा स्टैंड बन गया है, और मेरी छोटी क्रीम है, इतनी सारा क्रीम वगैरह ये सब सारा बन गया है। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में, कहने लगते हैं हम आपकी जो भी चीज़ अगर हम कुछ दिखाएंगे तो कहेंगे हम ब्लॉग में देख लेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो कहते जब कि हम ब्लॉग में देख लेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि ब्लॉग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखे या ना देखे, मैं तो अपनी यादें समेट रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी प्राइवेसी है ना कि किसी का, कि किसी को मैं फोर्स नहीं करती कि मेरे ब्लॉग में आएँ कोई, अगर उन्हें खुशी खुशी उन्हें अच्छा लगता है आ जाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं आते हैं चाहे फैमिली मेम्बर हो और चाहे कोई अदर पर्सन हो, तो मैं उन्हें फोकस्ड नहीं करती हूँ कि आप करिएगा, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो ये सब मेरा पर्सनली है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं अपना शूट कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और रही इनकम की, तो बहुत सारे ऐसे भी क्या इनकम होती है, मेरी फ्रेंड लोग बोलती क्या इनकम होती है क्या इनकम, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मुझे कोई इनकम वगैरह कुछ नहीं होती है। अभी वैकेंसी की वजह से मैंने सोचा कुछ आ भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कोई बोरियत महसूस होती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग कर लिया जाए और थोड़ा बहुत आप लोगों को, जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, अगर लगेगी तो गवर्नमेंट जॉब करूँगी, यदि नहीं लगेगी तो फिर मैं ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा वगैरह आप लोग कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो मैंने पार्ट टाइम के लिए इसे ही अपना क्या कहते हैं हॉबी बना लिया, तो यही चीज़ है। तो आप लोगों के साथ अपने छोटे छोटे ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला प्रेम मिला तो मैं कंटिन्यू करूँगी और इसी को परस्यू करूँगी, हॉबी के रूप में परस्यू करूँगी प्लस। लेकिन यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरा चैनल भी मेरा है और दोनों ही अभी बिल्कुल डाउन जा रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन प्रोग्रेस होगी ही। आप लोगों ने कल देखा होगा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए थे, तो मेरी फ्रेंड लोग कह रहे थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये आप एजुकेशन वाला चैनल है आपका और आप इसमें, तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है कभी कभी एंजॉय करना ये चीज़ें, तो मैं कर लेती हूँ, अपने घर के काम भी कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत कहते हैं एंजॉय करना लाइफ में, तो वो भी कर लेती हूँ। लेकिन हालांकि अभी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, और अब मैंने ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सामान देखिए मेरा किचन का है, तो मैंने सोचा हालांकि कल मुझे जुकाम था, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है फैला रहे हो सामान, तो हमने कहा अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, वो रहता है ना नए साल आने की खुशी, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी है, मैं तुरंत एक्साइटेड हो जाती हूँ, तुरंत वो भी हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, तो जो चीज़ें नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें वो कहते हैं सबकी अपनी अपनी कमियाँ होती हैं, तो ये मेरी कमी है कि मैं तुरंत इमोशनल हो जाती हूँ, तुरंत और खुश भी हो जाती हूँ जल्दी। तो चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे, और तो मैंने खाना तो बनाया नहीं था, थोड़ा बहुत बनाया था, फिर प्रीति ने बना लिया, तो फिर मैंने सोचा चलिए कुछ और काम कर लेते हैं, तो फिर इस तरीके से मैंने अपना ये सामान किचन का सामान निकाला, इन्हें अच्छे से पोंछ पाछ के रख दिया और इन्हें साफ़ करके रख दिया।
तो हालांकि आप लोग मेरे से ये सामान सोच रहे होंगे ये कैसा है, क्या हम लोग रहते हैं बाहर तो इस वजह से ये सामान हम लोग खुद ही नहीं अभी जोड़ रहे हैं, चाहें तो हम लोग बहुत अच्छे से सामान अपना जोड़ सकते हैं। अभी जैसे ही हम अपने घर में शिफ्ट होंगे ना तो फिर ये सारा सामान आपको चेंज मिल जाए हो जाएगा और ब्लॉगिंग भी इस तरीके की नहीं होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी में होगा सब कुछ यदि करेंगे तो। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगी, यदि नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है मुझे छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। वैसे तो मेरा खास फोकस मेरा शिक्षक बनना ही है, पहले भी था कि मैं टीचर बनूं लेकिन अब वैकेंसी नहीं आ रही किसी कारणों बस। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो गेस्ट फैकल्टी के लिए हस्बैंड उनके अलाउ करते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, कहते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में कहीं नहीं पढ़ाना है, अगर करना है तो तैयारी कर लो नहीं तो कोई बात नहीं है, तो इस तरीके का है। तो वैसे तो तैयारी कर लेती हूँ, एक दो घंटे ही अगर मिल जाता है तो पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगने लगा है, आप लोगों से बातें करना, शेयर करना, ये सारी चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ आपके साथ। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो बोले हाँ भाभी हमने आपका ब्लॉग देखा था, तो बड़ी खुशी मिलती है कि चलो भैया किसी ने देखा तो ये हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगा करता है। और मेरी ब्लॉग हालांकि उतना अच्छा नहीं, जब घर का ब्लॉग कैसा रहता है, घर में आप सीधी सी बात किसी की घर में एंट्री कर रहे हैं इतना दूर रह के भी, तो सीधी सी बात एक बड़ी अलग ही बात है। तो यदि आप लोगों को मेरी ब्लॉग में कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट करके बता दिया करें, और यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो मैं कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं छोड़ भी दूँगी, क्योंकि हालांकि मेहनत इसमें लगता है, टाइम बहुत किल होता है शूट करने में, फिर एडिट करने में, फिर वॉइस डालने में, इस चक्कर में मेरी 2-3 दिन तबीयत भी ख़राब हो गई, छत में ठंड में जाना पड़ता है वॉइस के लिए, तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी मिलती है यदि आप लोग एक भी कमेंट कर देते हैं, तो प्लीज़ जब भी मेरी वीडियो को देखें तो कमेंट ज़रूर कर दें। कहते हैं ना यदि कोई मेहनत करता है और कुछ करता है तो उसे उसका फल मिलना चाहिए, तो बस बुरा फल ना मिले, कहते तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले तो बस मेरे कर्मों का फल बुरा ना मिले, क्योंकि मैं बुरा करती किसी के साथ नहीं हूँ, मेरे साथ चाहे जैसा हो जाए। यही मेरी सब्ज़ी भी बनकर कम्प्लीट हो गई है, मैंने बनाई है आलू की और सेम की सब्ज़ी, और अब मैंने कल का फुल वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा चलिए दूसरे दिन एडिट कर लेती हूँ, तो आज मैंने एडिट कर ले रही हूँ, मेरा सारा काम डला है। मेरी हस्बैंड हैं जो वो सिलेंडर वगैरह गैस ख़त्म हो गई थी तो वो काम कर रहे हैं, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम था तो उस टाइम को भी मैंने यूज करने की कोशिश की, और मैंने सोचा क्यों ना ऐसे पूरा एडिट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दे, क्योंकि वैसे भी मेरे में व्यू नहीं आते और यदि मैं ज़्यादा गैप करूँगी तो आप लोग वैसे भी सोचेंगे कि लो दीदी ऐसा करती है, भाभी ऐसा करती है, तो इस वजह से। और चलिए जब तक अच्छा लगता है तो करते हैं, और आप लोग कमेंट करिए करिए हाय हेलो, यदि आपसे कमेंट करते नहीं बनता है तो आप ऐसे ही वॉइस ओवर करके देखिए और फिर आराम से कमेंट हो जाएगा और सेंड कर दीजिए। एक लोग हैं तो उन्होंने कहा था कि हमसे बनता ही नहीं कमेंट करते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पर्सन हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं लेकिन उनसे कमेंट करते नहीं बनता है, तो कमेंट करते नहीं बनता सीधे से वॉइस ओवर कर दो, नहीं तो किसी से पूछ लीजिए अपने आस पास हैं छोटे भाई बहन से, अपनी लड़की से, आपने किसी से भी। तो मेरा ब्लॉग हालांकि 2-4 लोग 10 लोग ही देखते हैं तब भी मुझे ठीक लगता है, कोई बात नहीं है, आखिर मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी का तो सब समय के ऊपर है, सब कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बस वही चीज़ है। तो मैं अपना ये सब चीज़ें मैं खुशी के लिए करती हूँ और मैं ये नहीं सोचती कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं जो भी अपना डे बाई डे रूटीन जो करती हूँ वही शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब मैं लंच पैक कर रही हूँ अभी का, और बस लंच पैक करने के बाद वो चला जाएगा, और बस अब हम लोगों का सीधा सीधा फिर चावल फ्राई करके आज बनाना था, तो आज चावल जी सब्जी रोटी कंप्लीट हो जाएगी तो चावल फ्राई करके बना लेंगे। हालांकि मुझे थोड़ा जुखाम है लेकिन मैं इतना ज़्यादा वो नहीं रहती हूँ कि चलो मुझे जुखाम है तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत केयर कर लेती हूँ, ये चीज़ रहता है मेरे अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मैंने बनाई है बिरयानी, तो अब बिरयानी अब मैंने खाना स्टार्ट करी, मैंने नहा लिया है, अब जल्दी ही मैं आजकल नहाने लगी हूँ तो मैंने नहा धो के फुर्सत हो गई और मैंने ये बिरयानी बनाई, थोड़ा सा बाल धुल ली क्योंकि बाल बहुत चिपचिपा रहे थे, और आंवला का रखा था पानी तो मैंने सोचा क्यों ना आंवला के पानी से सिर धुल लिया जाए, और जैसे आप लोग जान रहे हैं आजकल जनरली ये समस्या हो रही है कि बाल वाइट हो रहे हैं, और अब चलिए जो भी होता है तो वो शारीरिक बदलाव हैं अपने आप हो जाते हैं, किसी किसी के बच्चों के भी आजकल हो रहे हैं तो कोई क्या ही कर सकता है,
हम जितना कर सकते हैं वो चीज़ हमारा प्रयास रहेगा कल। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आंवला वगैरह अपने बालों में भी डाला जाए, जिससे क्या है बालों का भी जो रीग्रोथ हो जाए दोबारा से। और ये आप मेरा आप खाना देख सकते हैं, यही मैं खाना खाऊंगी और मेरी बिरयानी में चार रोटी, मेरी यही डाइट रहती है, चार रोटी सलाद और सब्जी और चावल। यदि दाल बनाती हूँ साथ में तो सब्जी चावल दाल रोटी ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आज मैंने अभी दाल नहीं बनाई थी तो इसलिए मैंने दाल इसमें ऐड नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपनी डाइट भी दिखा देती हूँ कभी कभार, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है तो मैं मेरे ब्लॉग में सीधी सी बात आप मेरे बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो बस ये मेरा फैमिली ब्लॉग है, मेरी फैमिली के भी कोई ऐसे नहीं है जो छोटे भाई बहन है, तो वो लोग भी यदि कह देते हैं तो आ जाते हैं सामने, लेकिन मैं खुद ही मैं ये सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ तो मेरे ही सब कुछ दिखना चाहिए। इनका अपना जिन्हें अपना प्राइवेसी मेंटेन करना है वो अपना प्राइवेसी मेंटेन करें, जिन्हें अपना नहीं करना है तो अपना कुछ और करें, क्योंकि सबके पास अपने अपने काम है। कोई भी आप लोग जानते हैं आज की स्थिति कोई भी फ्री नहीं है। तो चलिए मेरा ब्लॉग यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के ब्लॉग को भी सपोर्ट करूँगी, कमेंट करूँगी, सब्सक्राइब करूँगी। और ये जरूर कर दिए करिए कि मैंने आपको सपोर्ट किया तो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट कर दूँगी। बस ये अब मुझे मालूम चलेगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी, जिस तरह से मेरे से हेल्प बनेगी तो मैं आप लोगों की भी हेल्प कर पाऊँगी। तो बस और एक बात, और यदि आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीच में छोड़ के मत जाया करिए, क्योंकि इसमें यदि आप बीच में छोड़ देते हैं ना तो मेरा फिर सब उसका TRP होती है ना तो वो डाउन चली जाती है। तो बस यही है, तो ब्लॉग को बीच में मत छोड़ करिए, देख लिया करिए। यदि आप लोगों को नहीं देखना है, जैसे आप लोग कहते हैं आप मुझे देखते कि सर हमने क्या क्या आप वीडियो पोस्ट किया, क्या ब्लॉग पोस्ट किया, आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, तो बीच में स्किप मत करिए, उसको ऑन करके रख दीजिए जिससे किसी हमारा लॉस ना हो, बस ये चीज़ है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि बस बीच में स्किप मत करिएगा। और मुझे लगता है कि मुझे फिर सारा प्रेम स्नेह मिलता है सभी लोगों से, घर में भी बाहर में भी, और यदि आप लोग प्रेम स्नेह देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और कमेंट करते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ब्लॉग को मुझे लगता है MP से भी देखा जाता है, कहीं का दो कभी कभार MP से भी मुझे मेरे में कमेंट आ जाते हैं, MP से भी और UP से, जैसे मुझे थोड़ा बहुत देखते होंगे, और भी राजस्थान से भी एक कमेंट आया था। तो ऐसे दो चार जगह है, मेरा भी वीडियो कोई ऐसे तो मेरे चलता नहीं है जैसे आप लोग बताते हैं ब्लॉग है, तो इतना ज़्यादा मेरा भी ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे, दो चार दस लोग हैं मुझे देखते हैं, तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। मुझे मालूम है 2-4-10 लोग तो कम से कम देखते ही होंगे, और बस यदि मेरे ब्लॉग को किसी ने भी स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों से बस ये है कि पूरा देखिए, पूरा नहीं देखना आप ऑन करके रख दीजिए, इससे मेरा लॉस ना हो, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं मेरा चैनल भी शुरुआत का है, ग्रो हो रहा है, और बस ये है। और यदि आप लोग बीच बीच में छोड़ेंगे ना तो फिर डाउन ही चला जाएगा, तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी मेहनत बर्बाद मत करिए, और लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।